और देखो आज मैंने कुछ नया पहना है। रोज रोज मैं ऐसे टॉप्स वगैरह में आपको दिख जाती हूँ, ऐसे टी शर्ट में, बट ऐसा मत समझो कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कपड़े हैं बट मैं बहुत आलसी हूँ। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ वॉक करके, बहुत लंबा वॉक। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is the Pathak. कैसे हैं आप सब? Hopefully आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है day 8 वेट लॉस चैलेंज का, जो कि मैंने लिया है 15 डेज के लिए। एंड इफ आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे चल रहा है 15 डेज का वेट लॉस चैलेंज। और सिर्फ यही नहीं चलेगा, इसके आगे भी बहुत सारे व्लॉग्स और बहुत सारे ऐसे वेट लॉस चैलेंज आने वाले हैं, बिकॉज मुझे भी अपना वेट लॉस करना है, तो आप लोग की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो आज है day 8 और मैंने जैसा कि बोला था कि 1 वीक के बाद मैं चीजों को थोड़ा सा टफ करती जाऊंगी, तो आपको पीछे थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो जो आज से मैं टफ करूंगी वो ये होगा कि हम थोड़ा थोड़ा सा अप करके ना चीजें ऐसा करेंगे कि कार्ब्स को कम करते जाएंगे। लाइक अभी दिन में जो रोटियां थी ना, चाहे या तो उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, जहां मैं 2 खाती थी वहां 1 खाऊंगी, वैसे भी पतली खाती थी छोटी सी, बट उसको भी हम 1 कम कर देंगे और वहां उसके साथ में दही या दाल या जो भी लेंगे, सब्जी लेंगे, उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे। बट आज मेरा मन ये है कि मैं आज, वैसे तो कल 9th डे है, कल मुझे डिटॉक्स करना चाहिए था, बट मेरा मन आज भी है कि आज एकदम लाइट सा लेते हैं, क्योंकि आज है 8th डे और कुछ नया करते हैं ट्राई। तो नए में हम क्या करेंगे ये ट्राई करने वाले हैं, और नए में जो हमें ट्राई करना है वो है ये है जो मैंने अभी बना के दिखाया आपको, जो कि है लौकी का जूस। एक्चुअली इसमें ना लौकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, और बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी सी मैंने ली है, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे लौकी ज्यादा से ज्यादा इस 7 डेज जो बचे हुए आगे के दिन है उसमें मुझे लौकी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में लेनी है। और हम ट्राई करेंगे हर दिन मॉर्निंग में इसको लेने की, अगर हम ये ले लेंगे तो हमें ब्रेकफास्ट करने की नीड नहीं रहेगी। अगर मुझे भूख लगती है तो मैं हल्का फुल्का कुछ भी नमकीन सा खा लूंगी, बिकॉज सुबह सुबह एक नमकीन वाली जो क्रेविंग होती है ना वो होती है। जैसे मैंने चाय की लत तो छोड़ी है किसी, मतलब एक हद तक मैंने छोड़ दी है, क्योंकि हमें ना चाय की लत नहीं होती, जो सच में लत होती है ना वो होती है चीनी की। हम चाय से कहीं ज्यादा मीठी चीनी वाली चाय पीने की प्रेफर करते हैं। कुछ बहुत लोग होते हैं जो मतलब बिना चीनी के पीते हैं, तो वो एक अडिक्शन दूसरी होती है, बट मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए कि मुझे चीनी की चाय की लत ज्यादा थी, क्योंकि जब से मैं गुड़ वाली चाय पी रही हूँ ना तो मुझे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ रहा। इतना सा पी रही हूँ तो भी मेरा काम चल रहा है, नहीं भी पी रही हूँ तो भी चल रहा है, बट एक अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए मैं पी रही हूँ। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, जल्दी से पहले अपने इसको फिनिश करते हैं, और इसके बाद मैं जो है बात वगैरह लेकर के, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया, तो पहले मैंने सोचा कि चलो कुछ खा भी लेते हैं, लेट हो जाएगी। तो इसके बाद मैं अपना घर का सारा काम निपटाऊंगी, क्योंकि आज मुझे एक कोलैबोरेशन भी करना है, मेरा वर्क भी करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने इसलिए हेयर वॉश अभी तक नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि पहले घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं हेयर वॉश करूंगी और फिर मैं अपना कोलैबोरेशन वीडियो बनाऊंगी। तो दैट मीन्स कि मैं उसके बाद कोलैबोरेशन करने के बाद मैं सीधा आपको जो है लंच पे मिलूंगी, बट अभी बीच में मैं एक बार आपको मिलूंगी। एंड अभी जो टाइमिंग हो रही है वो हो रहा है 9, तो अभी 9 बज गए हैं, आज काफी लेट हो गया है, तो पहले हम इसको एंजॉय करते हैं। इसमें मेनली ना मैंने जो लेमन स्क्वीज किया है ना, उसका जो टेस्ट है ना उसी की वजह से सब कुछ अच्छा है। लेमन और दूसरा बीटरूट, ये दोनों ही मतलब लौकी के टेस्ट को खत्म कर दिए हैं, और आपको अब लौकी ऑलरेडी बहुत अच्छी लगेगी। तो इफ आप लौकी को इस तरीके से नहीं ले पा रहे हो, प्लेन जूस नहीं पी पा रहे, तो उसको इंटरेस्टिंग वे में लो। जरूरी नहीं है कि चीजों को जैसा लोग बता रहे वैसा ही लेना है, हम चीजों को चेंज करेंगे और मैं ऐसे ही चीजें इनोवेट करती रहूंगी। और आज की जो
डिनर है ना, सॉरी लंच है ना, वो मैंने अभी से प्रिपेयर कर लिया। मैंने सुबह सुबह ही सारी चीजें प्रिपेयर कर ली। मुझे लगा कि सब मिक्सर का ही काम है तो मैं एक साथ करके निपटा देती हूँ, बार बार झमेला नहीं चाहिए था मुझे। तो मैंने सब अपना बना करके रख दिया है फ्रीजर में और थोड़ी देर के बाद उसको मैं निकाल दूंगी एंड फिर नॉर्मल मोड में हम खाएंगे उसको लंच के टाइम पे। और मैं आज सब कुछ लिक्विड ही खाने वाली हूँ, कोई भी ऐसा मतलब लाइक कार्ब्स नहीं लेने वाली हूँ जिससे मुझे कुछ लगे कि हाँ ब्लोटिंग वगैरह हो रही है। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपने फर्स्ट मील को। अभी हो रहे हैं 12:30 और मैंने 9 बजे के बाद से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, क्योंकि घर में आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, साफ सफाई करनी थी। तो अभी ये रहा मेरा जो पुडिंग बोलूँ, हाँ आई थिंक पुडिंग ही बोलेंगे इसको। तो ये मतलब क्या मतलब मस्त लग रहा है। मैंने इसको एक तो फ्रीजर में डाल दिया था, ठीक है, तो वो एक तो ठंडा हो गया ना, अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। और मतलब वैसा वाला एकदम नहीं फ्रीजर में रख दिया था कि हाँ एकदम बर्फ बन जाए, बस इतना है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो भाई साहब देखने में क्या गजब लग रहा है। तो आज का मतलब मुझे ना खाने का मतलब इतना ज्यादा जल्दी है कि मैं जल्दी से इसको फिनिश करूं, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज लग रही थी और तब से मैं उसको पिए अब बहुत भूख लग रही है, बहुत काम कर लिया मैंने। और इस बीच मैं जल्दी से अपना काम निपटा करके नहा भी ली हूँ, बाल भी धुल ली हूँ और देखो आज मैंने कुछ नया पहना है। रोज रोज मैं ऐसे टॉप्स वगैरह आपको दिख जाती है ऐसे टी शर्ट में, बट ऐसा मत समझो कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कपड़े हैं बट मैं बहुत आलसी हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो जो आज मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा तैयार व्यार हो जाते हैं, और अभी मेरे को कोलैबोरेशन भी करना है, बट फिर भी मैंने कहा चलो यार आज थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, थोड़ा सुंदर सुंदर से बन जाते हैं। और बहुत लेट हो गई थी आज मुझे नहाते नहाते भी, तो बस। और हर दिन का क्या होता है ना कि जैसे मंदिर में पूजा करने के लिए भी थोड़ा लेट हो जाता है, तो आज तो हस्बैंड नहीं कर दिया था, तो फिर हस्बैंड करते ही है, तो फिर मैंने कहा चलो उन्होंने कर दिया तो कोई बात नहीं है। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ अपना ये बहुत ही डिलीशियस सा, क्या बोलूँ मैं इसको, आइसक्रीम ही बोलूँगी, बहुत टेस्टी दिख रहा है। ऐसे वो जो कुल्फी नहीं होती है जब वो पिघलती है तो जैसी दिखती है, एकदम वैसे दिख रहा है। और आप भी इस तरीके से अपनी जो मतलब ऐसी चीजें जो आपको नहीं पसंद है ना, ऐसे दूध में डाल करके उसको पीस दीजिए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मेरे को एप्पल बहुत खास नहीं पसंद है, आपने मेरे इतने दिन की जर्नी में देखा होगा कि मैं एप्पल एक भी दिन नहीं खाई हूँ, जबकि एप्पल खाना चाहिए बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैं इसी फॉर्म में करके लूंगी। और अभी जो इसके बाद के 7 डेज है, यानी कि आज 8 से लेकर के 15 डेज का जो टाइम होगा, इसमें मैं बहुत कुछ करूंगी, मतलब बहुत कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करूंगी। और काप्स आज दिन में बिल्कुल ही खत्म है, आज मैं दिन पूरे दिन भर ही काप्स नहीं ले रही हूँ, बिकॉज आज मेरा प्रोटीन शेक भी आ चुका है तो मैं अपना प्रोटीन शेक लूंगी, उतना मेरे लिए सफिशियंट है। अभी काप्स के नाम पर मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ आज। और बाकी मैंने ओट्स ले लिया है, इसमें सब कुछ इंग्रेडिएंट अच्छा है। अच्छा आपको बताओ ना, जैसे अभी मैं आपको इतने वैरायटीज दिखा रही हूँ ना ब्रेकफास्ट की, मैं इतनी ब्रेकफास्ट नहीं करती है, ये सच्चाई है। मेरा सुबह का जो ब्रेकफास्ट हमेशा से रहा है वो रहा है ओट्स को जो है हल्का सा पानी में भिगा करके उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, जो मैं ड्राई फ्रूट्स ऐसे खा रही ना उसको मैं उसमें डालती थी। बट क्योंकि मुझे आप लोग को भी ऑप्शन देना है, मुझे अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना है, क्योंकि हर दिन एक जैसी चीजें खा खा के हम कुछ अलग नहीं पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहती हूँ। दैट्स मैंने अपने थोड़ा सा लाइक लंच डिनर सबके ऑप्शंस मैंने थोड़ा बदल दिए हैं, और एज इट इज मैंने ब्रेकफास्ट को थोड़ा हैवी करने की कोशिश की है। जैसे सुबह मैंने लौकी का जूस पिया, वो भाई इतना टेस्टी लग रहा था ना। अगर लौकी कोई नहीं पी पाता है तो कच्ची लौकी जरूर पियो, और कोई भी चीज अगर आप रॉ फॉर्म में खाते हो ना, ऐसे कच्ची खाते हो ना, मैं सच बता रही हूँ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, स्पेशली सब्जियां, कोई भी ऐसी सब्जियां हो गई या कुछ भी ऐसी चीजें हो गई जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, उसको जितना कच्चा खाओ उतना अच्छा है। बट मैंने टेस्ट को इनहेंस करने के लिए चुकंदर और लेमन डाला, उससे भाई लौकी में आप इतना सभी चुकंदर और लेमन डाल दोगे ना, उसका टेस्ट ही बदल जाना है। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मुझे भूख लग रही है और मैं बहुत आराम आराम से संभावना सेठ के ब्लॉग देखते हुए और खाते पीते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और थोड़ा सा भी स्टोरी वगैरह भी मैं डालूंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अब थोड़ी देर के बाद। अब थोड़ी देर के बाद क्या ही मिलूंगी, अब मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम भी निकल चुका है, तो मैंने सोचा है कि अभी तो 12:30 हो रहा है तो मैं थोड़ा सा लेट में एक बार जो है चाय पीऊंगी, क्योंकि आज मेरे को बहुत थकान हो गया और मेरे को एनर्जी चाहिए थोड़ी सी कि मैं कोलैबोरेशंस कर सकूं। तो इसके बाद मैं कोलैबोरेशन करूंगी, बहुत सारे काम करूंगी और वो मैं आपको दिखाऊंगी बताऊंगी भी। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस अभी हो रहे हैं 3:30 और मैंने जो दिन में लिया हुआ था लाइक
एज अ लंच खाया था, उसके बाद से मैंने कुछ सिंगल चीज नहीं खाई, ऐसे मैंने पानी पानी पिया है। और अभी मैं कोलैबोरेशन करके फ्री हुई हूँ, 3:30 हो रहा है और मैं चल रही हूँ अभी चाय पीने, क्योंकि अब मेरे को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। मैंने चाय पिया ही नहीं उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को था कि जल्दी से करना था ये काम, बिकॉज इसमें बहुत लेट हो जाता तो फिर मैं वर्कआउट के टाइम पे बहुत ज्यादा टायर्ड फील करती हूँ, और अभी भी कर रही हूँ क्योंकि थकान हो गई है। और मैंने आज मेकअप में कुछ एक सिंगल चीज नहीं लगाई, सिर्फ और सिर्फ आईलाइनर लिपस्टिक लगाई है, एक सिंगल क्रीम नहीं लगाया, कोई फाउंडेशन नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि ना इंस्टाग्राम में ऑलरेडी इतने इफेक्ट्स होते हैं, आपको लाइक फाउंडेशन वगैरह की जरूरत ही नहीं है। और पहले तो इसलिए करती थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसी वीडियोज बनानी होती थी, लाइक कोई वीडियोज मेकअप से रिलेटेड हो गया। तो अभी राइट नाउ मैं कोई मेकअप नहीं कर रही बिकॉज मेरी स्किन मुझे है कि थोड़ी सी अच्छी हो जाए, एंड पता नहीं ये क्या हो गया, हल्का सा रेडनेस सा है यहाँ पे, क्या लग गया मुझे नहीं पता। तो अभी चलते हैं हम चाय पीते हैं क्योंकि मेरे को अब हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। और ये रही मेरी साड़ी। तो जी अभी हो रहे हैं शाम के 6 और 6 बज गए हैं और आज मेरा बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है कि मैं जिम जाऊं। तो मैंने सोचा है कि मैं वॉक करने निकल जाऊंगी बीच पे। तो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ पहले अपने वॉच में जो स्टेप्स होते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हाँ, इस वॉच में मुझे लगता है हर एक वॉच में ऐसा होता है कि हर दिन जो है आपके जो स्टेप काउंट्स होते हैं वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए रहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी जीरो है बिल्कुल ही, और जब मैं वॉक करके आऊंगी पूरा प्रॉपर तब फिर मैं बताऊंगी कितना क्या कैसा रहेगा। तो फिर हम आज निकलेंगे यहाँ से अपने बीच के लिए, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर्स तो है ही है। आज मैं नेट पे भी चेक करूंगी कि कितना किलोमीटर है और फिर मैं आपको बताऊंगी, और अभी मैं आपको सब दिखाती हूँ। तो ये रहा जीरो स्टेप्स। तो अभी फिलहाल जीरो स्टेप्स है, अब देखते हैं चल के कि क्या होता है, क्योंकि मैं दिन भर नहीं पहनती हूँ वॉच को। वैसे पहनना चाहिए बट मेरे से दिन भर नहीं पहना जाता है, तो जब मैं वॉक करती हूँ तभी पहनती हूँ। और अभी हम निकलेंगे वॉक के लिए, अब देखते हैं कितनी स्पीड में चलते हैं, क्या क्या करते हैं। बट आज मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कि मैं जिम जा करके वर्कआउट कर सकूं, मतलब जाऊंगी तो थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर करके करूंगी, इससे अच्छा मैं तेज वॉक कर लूंगी। तो चलिए चलते हैं वॉक पे। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ वॉक करके, बहुत लंबा वॉक किया मैंने, मैं 6 बजे गई हूँ और अभी 7:30 हो रहा है, 7:30 से थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। तो 1.5 घंटे में मैंने बीच पे आना जाना सब कुछ किया और थोड़ी देर बीच पे रुकी भी हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितनी देर तक आज चली हूँ। आज के जो स्टेप काउंट्स है ना वो काफी कम है, तो आज की जो स्टेप काउंट्स है ना वो काफ़ी कम है, बिकॉज मैं यहाँ मिड से गई हूँ, मतलब थोड़ी दूर तक स्कूटी से गई हूँ, फिर वहाँ से मैं पैदल गई हूँ क्योंकि लौटते वक्त में बहुत अंधेरा हो जाता है, दैट्स व्हाई स्कूटी से गई थी। तो इसलिए थोड़ा सा कम हुआ है, बाकी वॉक भी थोड़ा बहुत तेज स्पीड में नहीं की हूँ बिकॉज आज काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ मैं एकदम। आज जो है अभी बस जा रही हूँ, बात लूंगी और उसका कुछ खाऊंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि आज बहुत थकान लग रही है मुझे। और अभी भी थोड़े बहुत काम है एडिटिंग के, बहुत कुछ है भी करना, लेकिन ठीक है अभी देखते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर करेंगे। तो मैं चलती हूँ थोड़ी देर रुक करके बात लूंगी और फिर मिलूंगी मैं आपको सीधा डिनर पे। तो जी अभी हो रहे हैं 8:20 और मैंने सोचा है कुछ बहुत हल्का सा लेंगे बिकॉज मेरे को पेट बहुत ज्यादा भरा भरा लग रहा है, मैंने प्रोटीन शेक पी लिया था, बहुत ज्यादा पानी पी लिया था, तो फिर उसका मन नहीं कर रहा मेरा कुछ भी खाने का। तो अभी मैं सोच रही हूँ जस्ट सिर्फ मिल्क पी लेते हैं, और मन अगर मेरा किया, मेरे को थोड़ी सी क्रेविंग हुई तो मैं थोड़ा सा मखाना खा लूंगी। तो जस्ट हम सिर्फ और सिर्फ 1 ग्लास दूध लेंगे बस, और कुछ भी नहीं लेंगे, इसका सो जाएंगे चुपचाप। और आज मैं कोई ड्रिंक नहीं लेंगे क्योंकि आज बहुत थकान हो गई है, तो इसको फिनिश करके मैं तुरंत पहले खाना बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी। तो बस यही है आज का अपडेट, उसका कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट।